इज स्पॉन्सर्ड बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सी, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नगरीय निकाय मंत्री के हाथों वेबसाइट का लोकार्पण, साहू समाज के विकास के लिए एकजुटता को बताया अहम। बाटिया रेसिडेंसी में विराजे भगवान शिव, कलश यात्रा के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। भाषा की जननी संस्कृत के प्रति रुचि, मुंबई से पहुंची दो नौनिहाल। और युवा अधिवक्ताओं को वकालत के टिप्स, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बने मार्गदर्शक। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। रविवार को मोटर पार्ट्स एसोसिएशन की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी अपने परिवार समेत कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं इस समारोह में मुंबई से जूनियर जॉनी लीवर, गोविंदा और ऋषि कपूर को बुलाया गया, जिनके द्वारा मनोरंजन किया गया और मिलन समारोह को हास्य मंच बनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को मोटर पार्ट्स एसोसिएशन द्वारा पिछले 20 वर्षों से मनाया जा रहा है। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी सदस्यों के दिलों में प्यार का दिया जलाकर और शांति और स्नेह की भावना को जागृत करें, यही हमारी कोशिश होती है। विगत 20 वर्षों से मोटर पार्ट एसोसिएशन इस कार्यक्रम का आयोजित करता आ रहा है। यह कार्यक्रम हम सब परिवार आयोजित करते हैं। सब परिवार यहाँ पर आकर एक दूसरे खुशियों को, हम दिवाली को और भी बांटते हैं और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियाँ और रंग में लाते हैं। इसी कड़ी में आज आपने देखा होगा कि जूनियर कलाकारों को भी हमने आमंत्रित किया है। रविवार को प्रांतीय साहू वैश्य समाज का प्रदेश स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मंत्री अमर अग्रवाल ने समाज के वेबसाइट का शुभारंभ किया। वहीं समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। समाज के द्वारा इस प्रकार का आयोजन निश्चित ही समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होने की बात मंत्री अमर अग्रवाल ने कही। वहीं इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। समाज को आगे बढ़ाना और समाज में एक अच्छी शुरुआत करना, उसकी पहल आज बिलासपुर साहू समाज ने की है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभात साहू जी का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया त्याग युवक युवती परिचय सम्मेलन। बंगला यार्ड पानी टंकी के पास मिली लावारिश बच्ची के बारे में अब तक पुलिस कुछ भी नहीं पता कर पाई है। पुलिस बच्ची को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर महिला के बारे में पतासाची कर रही है। अपनी माँ के गोद को तरसती ये अभागी बच्ची, जिसे इसकी ही माँ ने अपने आप से दूर कर सड़क किनारे फेंक कर चली गई, जिसे वहां से गुजर रहे एक सज्जन ने अपनी गोद में जगह दी। फिर आसपास बच्चे की मां की तलाश कर मोहल्ले वालों और पुलिस को सूचना दी। जब बच्चे का जन्म होता है और वह जब पहली बार रोता है, तो उस रोने की आवाज से पहली बार मां खुशी से झूम उठती है, मगर इस बच्चे के साथ शायद ऐसा नहीं हुआ। तभी यह बच्ची लावारिस हालत में सड़क किनारे मिली। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को इस तरह सड़क पे फेंक दिया? कहीं ये लड़की पैदा होने का डर तो नहीं, या इस दानव रूपी समाज का? ना जाने ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक माँ को ये रास्ता अपनाना पड़ा। बहरहाल
बच्ची की परिवार की तलाश तारबहार पुलिस कर रही है। तारबहार थाने में एक सूचना मिली कि बंगला यार्ड में एक 2 हफ्ते की बच्ची नाबालिग हालत में पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते झपट रहे हैं। डॉक्टर ने उसको परीक्षण करके स्वस्थ बताया। इसके पश्चात चाइल्ड लाइन वालों को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया है। इसके अतिरिक्त इस मामले में तारबहार थाने में 317 का मुकदमा कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को दुनिया का पहला पाठ सिखाने वाली माँ होती है, जिसे संसार में सबसे ऊंचा माना जाता है। मगर इस घटना ने माँ जैसे शब्द का मानो अपमान किया हो। आखिर इस मासूम बच्ची का कसूर क्या था? क्या उसका ये कसूर था कि वो लड़की पैदा हुई है, या उस माँ को ये डर था कि समाज में इस बच्चे को जगह नहीं मिलेगी? कारण चाहे कुछ भी हो, नतीजा ये हुआ कि इस बच्ची का भविष्य कचड़े के ढेर पे पड़ा मिला। अब उस माँ की खोज पुलिस द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि उस माँ को पुलिस कब तक ढूंढ पाती है और उसे किस प्रकार की सजा दिला पाती है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। भाटिया रेसिडेंसी परिसर में भगवान शिव का मंदिर बनवाया गया है। शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के लिए शनिवार से 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन शनिवार को सुबह 11 बजे कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भाटिया रेसिडेंसी की महिलाएं सिर पर कलश लेकर मंगला चौक हनुमान मंदिर से परिक्रमा कर वापस भाटिया रेसिडेंसी लौटे। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा इस दौरान सभी श्रद्धालुओं में साफ देखने को मिली। ढोल नगाड़े की थाप पर आस्था का अद्भुत संयोग यहां बना रहा। इस दौरान भाटिया रेसिडेंसी पहुंचने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई। सबसे पहले सर्वतोभद्र मंडल चक्र निर्माण हुआ, जिसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना हुई और रुद्र अष्टाध्यायी पाठ शुरू हुआ। पहले दिन की पूजा के दौरान भाटिया रेसिडेंसी के साथ आसपास के कॉलोनी के लोग भी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित रहे। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरीस। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले बासुकी नाग की सिर की तरफ देवता लोग लगे और पूंछ की तरफ दैत्य लोग लगे, तो उनके विष के प्रभाव से देवता लोग सब जलने लगे। तो भगवान ने उनको बदल दिया, उनको पूछ की तरफ कर दिया और राक्षसों को दैत्यों को सिर की तरफ कर दिया। देखें, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया। जिस वृक्ष के प्रभाव से सारे देवी देवता सब जल रहे थे, उस विषम हलाहल जहर को भगवान शंकर जी ने धारण कर लिया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया। गोस्वामी जी कहते हैं, अय मतिमंद मन, ऐसे दयालु भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं बसता? भगवान शंकर जी ऐसा कोई दयालु देवता नहीं। भगवान शिव जी भी रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ की स्थापना किया, और सबसे पहले वनवास में जब गए तो गंगा जी के पास पहुंच करके भगवान ने सीता जी ने तो गंगा जी से प्रार्थना की, और भगवान राम जी भोलेनाथ की ही प्रार्थना करते हैं। रतनपुर के महामाया चौक के पास नौकुंडीय निखिल यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ढोल ताशों के साथ मेल गहना से कर्मा नृत्य के कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कलश में जल लेकर सभी बूढ़ा महादेव से यज्ञ स्थल पहुंचे। इस नवकुंडीय निखिल यज्ञ में गुरु पादुका पूजन, गणेश पूजन और मां महामाया पूजन मंत्र एवं जप के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। सिद्धार्थम साधक परिवार के संस्था द्वारा रतनपुर में रतनपुर शाखा के द्वारा नवकुंडी यज्ञ और गुरु पादुका पूजन का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग और स्थानीय रतनपुर शाखा के विशेष सहयोग से कार्यक्रम आयोजन किया गया है।
रविवार को कांग्रेस भवन में जिला शहर कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक रखी गई। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष नरेंद्र बोलर ने शहर की सभी कांग्रेस के सदस्यों को कई महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया। बैठक में निगम संबंधित कई बातें रखी गई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेसी हर दिन निगम के एक एक वार्डो में जाकर वहां की समस्याओं को रखेंगे। वहीं निगम द्वारा सफाई कर को टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध भी बात कही। वहीं विरोध में उनके द्वारा आंदोलन करने की बात कही। वार्डो के अब कांग्रेस बैठक लेगी और वहाँ की समस्याएं के ऊपर जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, वहाँ साफ सफाई के ऊपर लगातार शिकायतें आ रही हैं, उस सब बातों को लेकर आज चर्चा हुई है और बीएलए के संबंध में भी चर्चा हुई है। और जो नगर निगम द्वारा जो पूरी तरह एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जनता को जो कर के रूप में सफाई कर के रूप में सैकड़ों रुपये वसूल करने की जो इनकी योजना बन रही है, अगर ऐसा हुआ तो इसका भी जमकर विरोध शहर में किया जाएगा और इसकी लड़ाई जो है जमकर लड़ी जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर को वैसे तो न्यायधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ देश की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए भी बिलासपुर प्रसिद्ध है। जहाँ संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए माता पुष्पा दीक्षित द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है, वो अब देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराने लगी है। जिसके कारण अरपा नदी के किनारे संचालित पाणिनीय शोध संस्थान में इन दिनों मुंबई के अलग अलग इलाकों से दो नन्ही छात्राएं संस्कृत की बारीकियों को सीखने आई हैं। जिनके मन में संस्कृत के प्रति लगन को देखते हुए उन दोनों की माताओं ने भी यहां संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया। संस्कृत के प्रति समर्पण की भावना लिए बिलासपुर की पुष्पा दीक्षित ने गोड़पारा क्षेत्र में पाणिनीय शोध संस्थान की शुरुआत की, जहां संस्कृत व्याकरण को निशुल्क सिखाने के लिए माता पुष्पा दीक्षित ने मुहिम छेड़ी और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में पुष्पा दीक्षित को संस्कृत की विदुषी महिला के रूप में पहचान मिली और कई सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं। पुष्पा दीक्षित के द्वारा संस्कृत व्याकरण को सरल विधि से समझाने की कला की जानकारी मिलने पर मुंबई से दो नौनिहाल प्रथा और कृषा अपनी माताओं के साथ बिलासपुर पहुंची है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पांचवी और सातवीं की पढ़ाई मुंबई में कर रही हैं, लेकिन संस्कृत की बारीकियों को सीखने के लिए कुछ वर्षों से अपनी छुट्टी का सदुपयोग करने बिलासपुर आती हैं और संस्कृत व्याकरण की पाणिनी विधि से शिक्षा लेती हैं। और संस्कृत के प्रति इनकी लगन और शास्त्रों में छुपे विज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए संस्कृत की बारीकियों को जानना अहम मानती हैं। मैं संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि एक तो मैं बड़े होकर संस्कृत को जागृत रखना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज, क्या करना है हमें संस्कृत पढ़कर, इससे तो अच्छा हम फ्रेंच और पढ़े क्योंकि बड़े होकर दूसरे देशों में जाना है और वहाँ काम करना है तो वहाँ की भाषा सीख लेते हैं अभी से, पर संस्कृत हमारी मातृभाषा है तो हमें तो इसे सीखना ही चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आती, मैं भी वेकेशंस के लिए आती हूँ, तो अब तक मैंने यहाँ, ये मेरा फोर्थ वेकेशन है यहाँ। पाणिनी व्याकरण शास्त्र सीखती हूँ और ये जो मतलब ये जो संस्कृत लैंग्वेज है वो मुझे लाइफ लॉन्ग यूज़ के लिए है। मैं कोई भी लाइन लूँ जैसे मैथ्स कॉमर्स या साइंस, मगर मुझे उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज काम आएगी ही। जैसे मुझे बड़ा होकर साइंस एंड संस्कृत में रिसर्च करना है। त्रिशा और पुष्पा के अंदर छुपी प्रतिभा को देखने के बाद उन्हें संस्कृत को सिखाने के लिए उनकी माताओं ने भी त्याग किया और इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद विदेश की नौकरी को छोड़कर बेटी के साथ संस्कृत की शिक्षा लेनी शुरू की और अब वे भी अपनी बेटी के साथ कक्षा में बैठकर संस्कृत की शिक्षा लेने से नहीं चूकते।
वहीं बेटी और माताओं के अंदर संस्कृत सीखने की ललक को पुष्पा दीक्षित भारतीय सभ्यता के विकास के लिए अहम मानती हैं और भारत को विश्व गुरु के रूप स्थापित करने के लिए हर माता और परिवार को संस्कृत को समझकर संस्कारवान बनने का आह्वान कर रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार से संस्कृत विद्यालयों की स्थिति सुधारने की मांग कर रही है। भारत के हर इंसान को संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने से संस्कृति हम मतलब जागृत रख सकेंगे, नहीं तो हम जिस तरह से जिस तेजी से पाश्चात्य की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं उसके कारण हमारी सारी संस्कृति के हमारे सारे वैल्यूज का पतन हो रहा है। लेकिन जब हमको ऐसा लगा कि ये बचपन से ही बहुत फास्ट श्लोक्स वगैरह याद कर लेती थी और इसके अंदर हमने रुझान भी देखा। गोड़पारा के इस कमरे में देश के ही नहीं विदेशों से भी संस्कृत सीखने के लिए छात्र आते हैं और पाणिनीय विधि से संस्कृत व्याकरण की बारीकियों की शिक्षा गुरुकुल पद्धति से लेते हैं। पुष्पा दीक्षित ने अपने निवास को ही संस्कृत के लिए समर्पित कर दिया है और संस्कृत की सेवा करने निःशुल्क शिक्षा देती है। उन्होंने देश की संस्कृति और समाज के विकास में संस्कृत का अहम योगदान बताया है, लेकिन संस्कृत के प्रति सरकार के रवैये से क्षुब्ध होती हैं और संस्कृत सीखने की लालसा रखने वालों को अपने अध्ययन केंद्र में स्वागत करती हैं। सिटी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महानगरों की सुविधा शहर में प्रदान करने की मंशा से संचालित होटल मैरियट कोर्टयार्ड में पिछले कई महीनों से असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाई फाई सोसाइटी की तरह यहां शहर के युवाओं को नशे का एक महफूज अड्डा प्रदान किया जा रहा है, जिन पर कार्रवाई कर नकेल कसने की जरूरत है। शहर में पिछले कई महीनों से बाहरी तत्वों को आमंत्रित कर नशे का सामान परोसने के अलावा अप संस्कृति की ओर युवाओं को ढकेलने होटल मैरियट कोर्टयार्ड में गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा शहर के उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है जिनके बच्चे इनके छलावे में फंस रहे हैं। जिस्म फरोशी के साथ नशे के हाईटेक संसाधन बड़े ही सहज रूप में परोसे जा रहे हैं, जिसे लेकर आपत्तियां भी की जा रही, लेकिन अब भी होटल संचालन करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ये तो कानून की दृष्टि से अवैधानिक है कि नाबालिग बच्चों को शराब परोसना और वहाँ उल्टे सीधे काम कराना, ऐसे सब ये कानूनी दृष्टि से अवैधानिक है, इसे रोका जाना आवश्यक है। और वर्तमान में अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मीडिया के माध्यम से या फेसबुक या मोबाइल इसके माध्यम से जो चल रहा है, तो इसमें नाबालिग बच्चे बहुत अधिक आगे निकल रहे हैं। कहने से कोई उनकी हिंदुस्तानी सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ये होटल संचालक और जो बुलाते हैं लोग कैटरिंग सर्विस वगैरह वाले, इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये इनके सबके बायोडाटा लेके प्रशासन या संबंधित थाने को उपलब्ध कराएं। बड़े बड़े होटलों में जिस तरह से नाबालिग बच्चों को नशे के लिए अन्य चीज़ों के लिए छूट दी गई है, उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आज बड़े होटलों में जा करके नशा पत्ती करते हैं, जिससे कि एक संस्कृति हमारा छत्तीसगढ़ के संस्कृति है उसको भी नुकसान होता है। और आज पाश्चात्य सभ्यता को आकर्षण इतना है कि छोटे छोटे बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। अगर गलत कार्य हो रहा है तो चाहे छोटे होटल हो चाहे बड़े होटल हो, सभी जगह छापा पड़ना चाहिए। होटलों में बाहर से जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं, गेटरिंग पे से लेके रिसेप्शन से लेके सारी चीज़ों से लेके जितने भी वर्कर आ रहे हैं, उन लोग का दुर्व्यवहार होटल संचालक को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। होटल में जाना है मतलब एक प्रकार से मूर्खता कहलाई जा रही है कि अब पानी भी मंगाया जा रहा है वर्कर लोग से, तो पानी भी ऐसा है कि आदमी को देख के पानी दिया जा रहा है। कोई जीन्स पेंट सूट पहन के आ रहा है तो उसको पानी के लिए पूछेंगे, कोई अगर ऐसे ही चले जा रहा है तो उसको मतलब कोई ध्यान नहीं देगा उसके। बाहरी तत्वों को यहाँ बुलाकर कर्मचारियों के रूप में उन्हें पनाह देकर
सारा कुछ कराया जा रहा है, जिसकी खबर भी पुलिस के अलावा लोगों को है। होटल की आड़ में चल रहे इस व्यवसाय पर समय रहते कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसे सफेद पोश लोगों पर नकेल लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के लगरा गांव में एक 30 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल लगरा गांव में राम सिंह और उसकी पत्नी राजकुमारी चौहान अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। बीती रात को राज सिंह और उसकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पत्नी ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए मृतका के पति से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में उप पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला के मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। ग्राम लगरा में 30 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है जहर खाने से, और इसकी उम्र लगभग, उसकी शादी भी लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। मर्ग जांच से स्पष्ट हो जाएगा किन कारणों से जहर सेवन किया गया है या किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, स्पष्ट हो जाएगा। अभी उन सारी चीजों की जांच की जा रही है, मर्ग कायम कर लिया गया है। 10वीं-12वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जिला रोजगार दफ्तर में पहुंचे बेरोजगार इस उम्मीद से अपने प्रमाण पत्रों का पंजीयन कराते हैं कि उन्हें शासकीय संस्थाओं में रिक्त पदों के समय पर जानकारी मिलेगी और पंजीयन क्रमांक के आधार पर उन्हें नौकरी ढूंढने में सरलता होगी। लेकिन जिले के रोजगार दफ्तर में काउंसलर की नियुक्ति लंबे समय से शासन की अनदेखी की वजह से नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा रोज सैकड़ों की तादाद में पंजीयन के लिए पहुंचने वाले शिक्षित बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राज्य शासन ने जिले में काउंसलर की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मंगाया था, जिसे भेजे हुए साल भर बीत गया। इसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे बेरोजगारों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। रोजगार सेवा संगठन के लिए जो कार्य निर्धारित है उसमें व्यावसायिक मार्गदर्शन का एक कार्य है, जिसके तहत रोजगार कार्य में जो भी आवेदक आते हैं उनको हमको उनको करियर के संबंध में काउंसलिंग करना है। वर्तमान में मैं जिला रोजगार अधिकारी के रूप में हम लोग काउंसलिंग करते ही हैं, लेकिन यदि काउंसलर का यदि और पद होता तो वो और अच्छे से काउंसलिंग हो सकती थी। हम लोग जिले में कलेक्टर साहब के माध्यम से भी स्कूलों में भी जाकर भी करियर मार्गदर्शन कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन यदि पद सेपरेट से यदि स्वीकृत होगा तो और अच्छे से बच्चों की काउंसलिंग हो सकती है। बिलासपुर के पुराना हाईकोर्ट भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वकालत में पेशी में आने वाले नवोदित अधिवक्ताओं को न्यायालयीन प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया गया। वहीं कोर्ट रूम में पक्षकारों को आवश्यक मार्गदर्शन देने और किसी प्रकरण का प्रति परीक्षण संबंधी जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उज्जवल निगम ने शिरकत की और युवा वकीलों को मार्गदर्शन दिया। तो नहीं हुआ तो सबसे पहले आप इस बात को उनके सामने कहिए कि देखिए सर, ये एक्शन को ले लिया, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सुनवाई का मौका नहीं मिला। अब अध्यक्ष साहब को भी बात ठीक नहीं लगेगी। अब आप शुरू कर रहे हैं पूरा उस केस का इतिहास, आपको पूरी सब बात बता रहे हैं, तो केस क्योंकि आपको आपका काम ये है कि कोर्ट का अटेंशन आपको चाहिए और उस अटेंशन को होल्ड करना। कोर्ट जब तक आप आखिरी और मुद्दे की बात पर आते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। सर मुझे दीजिए विदा, नमस्कार। We'll be right back.